हेलो दोस्तों, वैसे आपको पता होगा कि रॉकस्टार बैंड का ओनर पिंटू भाई जो आज इतना ज़्यादा फेमस है कि बड़े सुपरस्टार शाहरुख सलमान खान से कम नहीं। वैसे दोस्तों, पिंटू भाई को आज पूरी बैंड इंडस्ट्री जानती है, पूरा आदिवासी साम्राज्य जानता है। और पिंटू भाई इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि जिसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक और कोई जानता है, इतनी ज़्यादा पिंटू भाई की पहचान है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये पिंटू भाई इतना ज़्यादा फेमस है उसके बावजूद भी अपने साथ बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखता? आखिर अपने साथ बॉडीगार्ड ना रखने की क्या ऐसी वजह है? जो वैसे दोस्तों, पिंटू भाई जो इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि इनकी पहचान भी बड़ी है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पिंटू भाई की पहचान है। और वैसे दोस्तों, पिंटू भाई इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि वो अगर किसी कपड़े के शॉप में जाए तो वो कपड़े का शॉप का ही प्रमोशन हो जाएगा, अगर वो किसी हेयर सलून के दुकान में जाए तो उस हेयर सलून के दुकान का ही प्रमोशन हो जाएगा, इतने ज़्यादा पॉपुलर है। और ये वैसे सलमान, शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं। और वैसे दोस्तों, कुछ लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में थोड़े फेमस क्या हो जाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, लेकिन ये जो बंदा है भारत के 3-3 राज्यों में फेमस है जहां पर बच्चे बच्चे जानते हैं, वो है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उनके बावजूद भी ये जो बंदा है वो बिना किसी डर का अकेले घूम रहा है। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो ये बंदा बिना सिक्योरिटी और बिना किसी बॉडीगार्ड का घूम रहा है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जिस बंदे ने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, किसी के बाप का कुछ खाया नहीं, ना पिया नहीं, तो फिर उस बंदे को किसी के बाप से डरने की क्या जरूरत? वैसे दोस्तों, उसी वजह से पिंटू भाई अकेले घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी माहौल बदल चुका है, पहले जैसा अब नहीं रहा। पूरी बैंड इंडस्ट्री में कंपटीशन का माहौल चल रहा है, और कंपटीशन का माहौल कुछ ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि खून खराबा, मारा मारी और ऐसे भी काम हो सकते हैं कि जो हमने कभी सोचे ना होंगे। वैसे दोस्तों, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई भी बड़ा सुपरस्टार ही क्यों ना हो, जितने उनके दोस्त होते हैं उतने ही उनके दुश्मन भी होते हैं, और साथ ही जितने उनके चाहने वाले होते हैं उतने ही उनसे जलने वाले लोग भी होते हैं। वैसा है दोस्तों पिंटू भाई का फंडा। लेकिन दोस्तों, वैसे पिंटू भाई का कोई दुश्मन नहीं, लेकिन दोस्तों पिंटू भाई तरक्की ही कुछ ऐसे करते हैं कि लोग बेवजह दुश्मनी मोड़ लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि पिंटू भाई इतने ज्यादा फेमस होने के बाद भी अपने साथ कोई सिक्योरिटी या फिर कोई बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। अगर वहीं पे कोई दूसरे सेलिब्रिटी की बात करें तो कोई भी बंदा अगर थोड़ा सा फेमस हो जाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखता है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखता है। लेकिन दोस्तों, पिंटू भाई अकेले ही कहीं पर भी चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, पिंटू भाई आज इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि लोग इनसे जलने लगे हैं, जितने फैन हैं उतने ही जलने वाले लोग भी हैं। इसलिए दोस्तों, पिंटू भाई को अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों रॉकस्टार बैंड और पिंटू भाई रॉकी के सभी फैन के लिए एक जिगर का टुकड़ा है। अगर रॉकी को कुछ होता है या फिर पिंटू भाई को कुछ होता है तो रॉकी के सभी फैन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, 25 तारीख के दिन रॉकस्टार बैंड का राजपिपला में प्रोग्राम था, तो वहाँ पर रॉकस्टार और रॉकस्टार बैंड के सभी मेंबर्स के ऊपर लोगों ने जानलेवा हमला किया था। और दोस्तों, वो जानलेवा ऐसा हमला था कि जिसमें कहीं लोग घायल भी हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, रॉकस्टार बैंड कहीं ज़्यादा डैमेज भी हो गई थी। वैसे इस वीडियो के अंदर आप देख ही रहे होंगे कि रॉकस्टार बैंड कहीं बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, और साथ ही रॉकस्टार बैंड के कुछ बैनर फट गए, कांच टूट गए, और साथ ही कुछ ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है कि शायद कोई दूसरा बंदा होता तो ये सब देखकर तो उनका दिल ही टूट जाता। लेकिन दोस्तों, पिंटू भाई एक फौलाद जिगरे वाले हैं, इनके अंदर एक ऐसा जिगरा मौजूद है कि ये सब इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद भी सारे दुख को अपने दिल में दबा के रखा है। और वैसे दोस्तों, ये हमला आखिर किसने किया है, कौन है, ये तो दोस्तों अभी हम आपको कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, वैसे कल रात नसीब स्टार और रॉकी स्टार बैंड के ठिंगरी प्लेयर के बीच में एक झगड़ा भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अगर देखा जाए तो शायद वहीं के कुछ ऐसे लोग होंगे जो रॉकी स्टार बैंड से जलते होंगे और शायद रॉकी स्टार बैंड को पसंद नहीं करते होंगे, उन्हीं वजह से उन लोगों ने रॉकस्टार बैंड के ऊपर हमला किया, रॉकस्टार बैंड के सभी मेंबर्स के ऊपर हमला किया। वहीं पे दोस्तों, रॉकस्टार बैंड का आज कहीं ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसलिए दोस्तों, रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई को अपने साथ सेफ्टी और सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों पिंटू भाई अक्सर कुछ धांसू एंट्री जैसी करते रहते हैं, लेकिन किसको क्या पता कि कहां पर क्या होने वाला है। वहीं पे अगर कुछ लोगों ने जो पिंटू भाई से जलते हैं, जो रॉकस्टार बैंड से जलते हैं, जो रॉकस्टार बैंड से नफरत करते हैं, उन लोगों ने अगर कहीं पर ऐसी एंट्री में अगर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, पूरी बैंड इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैंड रॉकस्टार बैंड ही है, और साथ ही रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई पूरे बैंड इंडस्ट्री के किंग है, और साथ ही पूरे आदिवासी साम्राज्यों के एक बड़े किंग भी माने जाते हैं। वैसे दोस्तों, जो लोग तो रॉकस्टार बैंड से जलते हैं वो लोग तो जलते ही रहेंगे, और वैसे पिंटू भाई किसी से कम नहीं, उन लोगों को और जलाएंगे। तो फिर मेरे प्यारे रॉकस्टार बैंड के सभी फैन, आप लोग क्या कहना चाहते हैं रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई को
अपने साथ बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों पिंटू भाई और रॉकी स्टार बैंड के लाखों फैन है, लाखों चाहने वाले हैं पिंटू भाई के। और वैसे भी जिस बंदे के लाखों फैन होते हैं या फिर लाखों चाहने वाले होते हैं वो बंदा किसी बड़े सेलिब्रिटी या फिर किसी सुपरस्टार से कम नहीं होता। तो वहीं पे पिंटू भाई भी किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है, इसलिए पिंटू भाई को भी अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है। तो वैसे दोस्तों कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है बंदा झुकाने वाला चाहे, तो वहीं पे रॉकी स्टार बैंड का ओनर पिंटू भाई भी किसी से कम नहीं, जो साला आज पूरी बैंड इंडस्ट्री को ही हिला कर रख दिया है। वैसे दोस्तों रॉकी और पिंटू का कभी सामना मत करना कि रॉकी और पिंटू का कभी सामना मत करना क्योंकि ये दोनों ज्वाला है, अगर छुओगे तो जल जाओगे और जबरदस्ती करोगे तो जल कर राख हो जाओगे, ये इन दोनों की पहचान है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो शायद हम कोशिश करेंगे कि धमाकेदार रहे। तो फिर रॉकी फैंस क्या कहना चाहते हैं कि पिंटू भाई को अपने साथ बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है या फिर नहीं, वो बस मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए, बस और कुछ नहीं।